दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल में ऑल को चुनें, जिससे और भी नई नई वीडियो को बनाने में हमें प्रोत्साहन मिलता है, ताकि आप लोग के लिए नई वीडियो बनाऊं। धन्यवाद। नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर रॉकेट टेक्नो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को चुनें, ताकि नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। कोरोना वॉरियर्स के लिए टाटा मोटर्स का विशेष ऑफर, इन कारों की खरीद पर दे रही है 45,000 तक के फायदे। COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में सभी शोरूम और डीलरशिप बंद रहने की वजह से अप्रैल के महीने में एक भी कार की बिक्री नहीं हुई। ऑटो उद्योग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी महीने एक भी कार नहीं बिकी। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में उद्योग जगत समेत कुछ सेक्टर के लिए नियमों में छूट दी है, जिसके बाद देशभर में ऑटो कंपनियां अपने शोरूम फिर से खोल रही हैं। ग्राहकों को नई कार खरीदने और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां कई तरह के ऑफर दे रही हैं। टाटा मोटर्स भी 8 साल तक इंस्टॉलमेंट स्कीम और ऑन रोड फाइनेंसिंग स्कीम जैसे ऑफर्स लेकर आई है। इसके अलावा कंपनी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तैनात कोरोना वॉरियर्स को 45,000 रुपये तक के स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है। इन कारों पर विशेष फायदा। टाटा मोटर्स अपनी टियागो, टाटा टियागो, टिगोर टिगोर, नेक्सॉन नेक्सन और हैरियर मॉडल्स पर 45,000 रुपये तक के स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है। इनमें कंपनी टाटा टिगोर कार खरीदने पर सबसे ज्यादा फायदा दे रही है। टाटा मोटर्स का ये स्पेशल बेनिफिट ऑफर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तैनात कोरोना वॉरियर्स के लिए है, जिसमें डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पुलिस वाले शामिल हैं। अल्ट्रॉस पर कोई डिस्काउंट नहीं। टाटा मोटर्स ने स्पष्ट किया है कि कंपनी की नई प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रॉस पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में डीलर्स के हवाले से दावा किया गया है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए डीलर्स अपने स्तर पर अल्ट्रॉस पर कुछ बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। इंजन कंपनी ने टाटा अल्ट्रॉस को XZ, XZ, XT, XM और XE वेरिएंट में लॉन्च किया। यह कार पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन में आती है। टॉप वेरिएंट में यह कार हाई स्ट्रीट गोल्ड, डाउनटाउन रेड, एवेन्यू व्हाइट रंगों में उपलब्ध है। टाटा अल्ट्रॉस का निर्माण टाटा मोटर्स के अल्फा प्लेटफॉर्म पर हुआ है। अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनने वाली यह पहली कार है। इसमें 86 हॉर्स पावर पावर वाला 1.2 लीटर पेट्रोल और 90 हॉर्स पावर पावर वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। दोनों इंजन BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले हैं। शुरुआत में दोनों इंजन के साथ सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। कंपनी अल्ट्रॉस का ऑटोमेटिक वेरिएंट बाद में लाएगी। ड्राइव मोड टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह अल्ट्रॉस हैचबैक में भी ड्राइव मोड्स का फीचर दिया गया है। टाटा नेक्सन और हैरियर में भी यह फीचर मिलता है। अल्ट्रॉस में 2 ड्राइव मोड सिटी और इको मिलते हैं। सिटी मोड में इंजन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि इको मोड में कार ज्यादा माइलेज देगी। इसका पेट्रोल वेरिएंट 85 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क देगा, जबकि डीजल वेरिएंट 90 हॉर्स पावर की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देगा। इको मोड में पावर और टॉर्क 10% तक कम हो जाएगा। किसी भी बाकी गाड़ी में यह फीचर नहीं मिलता है। माइलेज कंपनी का दावा है कि अल्ट्रॉस के पेट्रोल इंजन का माइलेज 19.05 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि डीजल इंजन का माइलेज 25.11 किलोमीटर प्रति लीटर है। 5 वेरिएंट्स में सेफ्टी फीचर्स। टाटा अल्ट्रॉस में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं।
5 स्टार रेटिंग। टाटा अल्ट्रोस पहली मेड इन इंडिया छोटी कार बन है जिसे लॉन्चिंग से पहले ही ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम GNCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली। GNCAP एक एजेंसी है जो मोटर वाहन सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। टाटा अल्ट्रोस भारत में बनी दूसरी कार है जिसे GNCAP के क्रैश टेस्ट में पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि इससे पहले दिसंबर 2018 में टाटा मोटर्स की ही टाटा नेक्सन को ऐसी ही रेटिंग मिली थी। टाटा नेक्सन पहली मेड इन इंडिया कॉम्पैक्ट SUV कार थी जिसे GNCAP ने 5 स्टार रेटिंग दी थी। सेगमेंट की अकेली अपडेटेड डीजल कार। भारतीय बाजार में टाटा अल्ट्रोस का मुकाबला मारुति बलेनो, ह्यूंडई आई ट्वेंटी, टोयोटा ग्लैंजर और होंडा जैज जैसी कारों से है। द 1 अप्रैल से नए BS6 ईंधन उत्सर्जन लागू होने के बाद ह्यूंडई आई ट्वेंटी एलीट फिलहाल डीजल इंजन के साथ अपडेट नहीं की गई है, यानी यह अभी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध नहीं है। मारुति बैलेनो और टोयोटा ग्लांजर भी अभी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आती है। होंडा जैज का BS6 मॉडल जल्द लॉन्च किया जा सकता है जो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन के साथ मिल सकता है, यानी इस वक्त टाटा अल्ट्रोस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की एकमात्र कार है जो नए BS6 डीजल इंजन में उपलब्ध है। गौरतलब है कि मई में अल्ट्रोस कार पर मिल रहा डिस्काउंट अलग अलग शहरों और डीलरशिप में अलग अलग हो सकता है। कीमत। दिल्ली में अल्ट्रोस की एक्स शोरूम कीमत 5.29 लाख से 9.39 लाख रुपए के बीच है। पेट्रोल इंजन के बेस वेरिएंट XE की कीमत 5.29 लाख रुपए और टॉप वेरिएंट XZO की कीमत 7.69 लाख रुपए है, जबकि डीजल इंजन के बेस वेरिएंट XE की कीमत 6.99 लाख रुपए और टॉप वेरिएंट XZO की कीमत 9.29 लाख रुपए है।